प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कौमुदी शुक्ला उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से आपके समक्ष आज अपने तीसरे व्याख्यान माला में प्रस्तुत कर रही हूँ। हमने पिछली बार आइडियलिज्म पढ़ा था, आदर्शवाद। आदर्शवाद में आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी और इन्हीं सब चीज़ों की वो बात करता है, तो उतने आइडियल्स को फॉलो कर पाना, ये कहें कि जिस समय पर ये आइडियलिज्म चल रहा था वो उन लोगों के लिए शायद उतना ज़्यादा सुलभ नहीं था, उतना ज़्यादा फॉलोअप उसका नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण एक दूसरी विचारधारा जिसको नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है वो लोगों के बीच में पनपने लगी। ये नेचुरलिज्म का एक इंट्रोडक्शन है। नेचुरलिज्म, जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है, नेचुरलिज्म जो है नेचर को ही अल्टीमेट रियलिटी मानता है। नेचुरलिज्म कहता है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नेचर है, और वो उसके खुद के अपने लॉज हैं जिनके थ्रू वो जो है ऑपरेशनल होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे जो इसका जो एक बहुत बड़ा टेनेट है कि इसका एक स्लोगन है कि ब्रिंग बैक टू नेचर, ठीक है, यानी जो भी नेचर है आपको उसके समक्ष, यहाँ पर कहा गया है कि नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, एंड ये सारे ही आंसर्स जो है, सारे ही क्वेश्चंस के आंसर अपने में रखता है, इसके खुद के अपने लॉज हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है नेचुरलिज्म है वो बच्चों की जो मूल जो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा फेवर करता है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि और जैसा कि आपने, अगर एक आप देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में, तो जैसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आइडियल्स और इन सब चीज़ों की बात कही जा रही थी, तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी को कोई फोकस नहीं दे रहा है। वो उसको बेसिकली वो मटीरियलिज्म है, जैसे वो स्पिरिचुअलिटी को फोकस करता था, ये बिल्कुल भी जो है वो जो है भौतिकता में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। तो यहाँ पर ये भौतिकवादी दर्शन है। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि नेचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज मटीरियलिज्म, इट डजेंट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज्म एंड सुपर नेचुरल पावर्स, यानी ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी, सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन पावर्स, जैसा कि आइडियलिज्म बोलता था, उस टाइप के किसी भी टेनेट को ये फेवर नहीं करता है। ये एक मटीरियलिस्टिक विचारधारा। इसके जो मेजर जो प्रोपगेटर हैं वो रूसो जी को माना जाता है, उनको जनक माना जाता है। तो यहाँ पर और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है अरिस्टोटल जी हैं, कॉम्टे हैं, स्पेंसर हैं, हक्सले हैं, और बेकन, डार्विन, और यहाँ तक कि इंडियन अगर सिनारियो में बात की जाए तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी इसके बहुत बड़े प्रोपोगेटर माने जाते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है थॉमस लैंग की कि नेचुरलिज्म इज ऑपोज टू आइडियलिज्म, सबॉर्डिनेट्स माइंड टू मैटर एंड होल्ड्स द अल्टीमेट रियालिटी इज मटीरियल वर्ल्ड, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, थॉमस एंड लैंग जी ने भी वही चीज़ बताई है जो अभी आपको बताई जा रही है। जो नेचुरलिज्म है वो स्पिरिचुअलिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानता, वो मटीरियल वर्ल्ड को बेहतर मानता है, और जो है ये बिल्कुल भी फेवर नहीं करता आइडियलिज्म को, ये अपोज करता है आइडियलिज्म को और सबॉर्डिनेट करता है माइंड टू मैटर। ठीक है, जहाँ पर वहाँ पर आइडियाज माइंड की बात करी जा रही थी आइडियलिज्म में, यहाँ पर मैटर की बात की जाती है, पदार्थ की बात की जाती है। तो ये सारी बातें हैं। फिर आप सभी जानते हैं, पिछली बार भी आपको बताया गया था कि जब हम किसी भी फिलॉसफी को जब एंगल वाइज देखते हैं, जिन जिन चश्मों से देखा जाता है, वो एक मेटाफिजिकल ब्रांच होती है, एक एपिस्टेमोलॉजी होती है और एक आपका एक्सियोलॉजी होती है। तो मेटाफिजिक्स जो है इसकी, उसके बारे में बताया गया है कि इट डील्स विद रियालिटी। ठीक है, ये सिर्फ रियालिटी पे फोकस करता है। इसके लिए नेचर जो है वही एक अल्टीमेट रियालिटी है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, और ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो नेचर से ही हमें प्राप्त होती हैं और उसके बाद में नेचर में ही विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में वही उसकी दूसरी लाइन है कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, और इसके जो स्लोगन भी है वो रिटर्न टू नेचर एंड ब्रेक द चेन्स ऑफ नेचर। उसके बाद में नेचुरलिस्ट कंसिडर्स मटेरियल वर्ल्ड एज द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये इसी को रियल वर्ल्ड मानते हैं। आइडियलिस्ट की तरह ये कोई भी चीज़ परम ब्रह्म या ऐसा कुछ भी नहीं मानते। इनको लगता है कि जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, वही हमारा
जो है रियल वर्ल्ड है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड कोई भी इटर्नल वैल्यूज की जैसे वो बातें कर रहा था वैसी कुछ भी चीजें नहीं हुई। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि लॉज जो नेचर के जो लॉज हैं वो अनचेंजेबल है, ठीक है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो इंटायर यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, जो प्रकृति के जितने भी लॉज हैं वो कभी भी अनचेंजेबल नहीं है, और उसके साथ ही साथ वो पूरे ही ब्रह्मांड को वही गवर्न करते हैं। फिर उसके बाद में ये गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, सोल या डिवाइन किसी भी स्पिरिट में कोई ब्रह्म नहीं है इनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को नेचुरलिज्म डील करता है। नेक्स्ट इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी वाली ब्रांच है उसमें कहा गया है कि नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट वी गेन नॉलेज थ्रू अवर सेंसेस, जो है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज, ये जो है इस पर्टिकुलर जो है टैगलाइन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये जो है ऑल द ट्रुथ कैन बी ड्रॉन थ्रू सेंसेस, यानी आप जब सेंसेस को एक्सपीरियंस कर दें दीजिए, ठीक है, तो ये इसी बात को। फिर उसके बाद में नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, आपको एक डायरेक्ट नॉलेज देने की ये बात करता है, आप नेचर से डायरेक्ट नॉलेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जाहिर सी बात है जब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहा जाएगा भाई, जब आप सेंसेस के थ्रू खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, खुद ही नॉलेज ले रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये बुकिश लर्निंग से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ठीक है। जैसा आपका आइडियलिज्म जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे ये विचारधारा उन सारी चीज़ों को अपोज कर रही है। फिर नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, जैसा आइडियलिस्ट जो थे वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, तो ये बिल्कुल भी अपोज करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को, इसके लिए कोई भी जो है स्पिरिचुअलिटी नहीं है। फिर जो इसकी थर्ड ब्रांच है एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी आप सभी जानते हैं कि वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर नेचुरलिज्म में कहा गया है कि ये अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देर आर नो एब्सोल्यूट इटर्नल एंड अल्टीमेट वैल्यूज़, ठीक है, जैसा आइडियलिस्ट में ये मानते थे कि देर इज एन एब्सोल्यूट इटर्नल एंड अल्टीमेट वैल्यू, यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि आपके ये प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहा है, ये दर्शन जब आप ढंग से पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा, तो ये जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नहीं मानता, ये चेंजेबल चीज़ों को मानता है कि सब चीज़ें चेंज होती रहती, ऑल वैल्यूज रिसाइड्स इन नेचर, ठीक है, ये बेसिकली ये कहता है कि जो नेचर है उसके अपने अपने लॉज हैं, ठीक है, तो उन लॉज से हमें कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यानी हमें कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि प्रकृति से हम अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वो उसका जब रिजल्ट देगी तो वो बहुत भयावह होगा, ठीक है, और उससे कोई भी नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि जो भी वैल्यूज हैं वो नेचर में ही रिसाइड करती हैं, नेचर में ही है। फिर इट डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसके बाद में टू फील द वैल्यूज ऑफ नेचर वन हैज टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, यानी अगर आपको जो है इसके वैल्यूज के बारे में बात करनी है तो आपको हमेशा प्रकृति के साथ हार्मनी क्रिएट करके या हार्मनी के साथ प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, तो ये इस बात को फेवर आउट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नेचुरलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही जाती है सेंसेस की जो है नरिशमेंट की बात करता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सेंसेस के थ्रू आप नॉलेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। फिर उसके बाद में मटीरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, यानी ये मटीरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मानते हैं। सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाई नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म और बुकिश नॉलेज जो है उसको बिल्कुल ही डिनाई करता है ये, और ये कहता है कि जो नेचर के जो लॉज हैं वो अनचेंजेबल हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो लॉज जो नेचर है उसने अपने फिक्स कर रखे हैं और उन्हीं के थ्रू वो ऑपरेट करता है। इफ कोई भी अगर बच्चा है, ठीक है, कि जो है अगर जैसे आप फ्रीली एक बच्चे को छोड़ दीजिए एक एनवायरनमेंट में और उसके बाद में आप उससे कहिए कि खुद से तुम चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि बच्चों को आप खुद भी जानते हैं कि जैसा कि प्याजे जी ने भी कहा है कि जो बच्चा है वो एक डिस्कवरर है, एक इन्वेंटर है,
तो वो क्या करता है कि जो है वो अपने आसपास की सराउंडिंग में, बच्चा शुरू के टाइम से बहुत क्यूरियस होता है अपनी आसपास की सराउंडिंग को लेकर, तो वो अपने ही दिमाग को लेकर के, दिमाग ही है उसके पास एक टूल, उसके थ्रू और अपने क्वेश्चंस के थ्रू वो ऑपरेट करता है अपने आसपास की सराउंडिंग को, देखना चाहता है कि कहाँ पे इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो अगर वो मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया कि वो सीखे चीज़ों को, लेकिन हमें क्या है कि पीछे बैक में उसके सपोर्ट में भी रहना है, क्योंकि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, उसमें वो कहीं उंगली डाल दिया या कुछ भी कर दिया तो उस चीज़ से उसको हार्म होगा। तो वही वो कह रहा है कि नेचुरलिज्म यही कहता है कि उसके अपने अपने लॉज भी हैं, ठीक है, तो उन लॉज को फेवर अप करते हुए ही हमें ऑपरेट करना है। उसके बाद में साइंस रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, साइंस जो है वो ही जो मिस्ट्री है नेचर की उसको रिवील करता है। इसके एक फीचर में ये भी कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल इनसेन बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कोई भी एवल्स नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसको एवल बनाती है, ठीक है, सोसाइटी, क्योंकि कोई भी है उसके साथ में, उसके पेरेंट्स हैं, झूठ बोलना बच्चा जन्म से नहीं सीख के आता है, वो यहाँ पर देखता है कि लोग झूठ बोलते हैं, उससे बोला जाता है कि तुम बेटा ऐसा बोल दो और वो चीज़ नहीं हो रही होती, उसी चीज़ को वो बोलता है तो वो समझता है कि झूठ ये होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है रूसो जी ने बहुत ही कायदे से अपने चीज़ों में डिफाइन की है कि जो है जो मैन है वो बॉर्न बिल्कुल इनसेन ही होता है, उसके अंदर वो प्योरिटी है उसके अंदर, सिर्फ प्योरिटी, लेकिन सोसाइटी के जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आता है वो सारी एविल प्रैक्टिसेस को भी, जैसे गुड प्रैक्टिसेस को वो सीखता है, वैसे ही जितने भी एविल वर्क्स हैं उनको भी वो सीखता रहता है, क्योंकि सोसाइटी उसे सिखाती है। फिर आपके स्लाइड पे दिखाई पड़ रहा होगा इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं नेचुरलिज्म के, तो यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, जैसा हम आज भी जानते हैं कि हम जो चाइल्ड है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारा जो है अगर हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो कम से कम 70% कम्युनिकेशन बुक्स हैं उनमें भी, सीबीएसई इसको बहुत अच्छे से फॉलो वगैरह भी करती है कि बच्चों में 70% कम्युनिकेशन आप बच्चों से करवाइए और सिर्फ 30% मोटिवेटर एज अ फैसिलिटेटर आप वर्क करिए। तो यहाँ पर वही चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात कही गई है कि नेचुरलिज्म गिव्स अ सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस, द चाइल्ड इज इन द फोरफ्रंट एंड ऑल अदर थिंग्स सच एज टीचर करिकुलम बुक्स आर इन द बैकग्राउंड, वो भी रहेंगे, टीचर्स का भी रोल है लेकिन एज अ फैसिलिटेटर है, एज अ मोटिवेटर है, एज अ प्रोपोगेटर है, लेकिन जो बच्चा है वो ही फोरफ्रंट में रहेगा, वो ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा हर एक डिस्कशन में, हर एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में वो ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर जैसा कि अभी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की गई, तो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि जो बच्चा है उसको हमें फुल फ्रीडम देनी चाहिए, यानी वो एक्टिवली अपने जो एनवायरनमेंट है, अपना जो नेचर है, उसमें जो है ऑपरेट कर पाए, उसमें चीज़ों को, अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल फुलफिल कर पाए, तो उसके लिए हमें उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, नेचुरलिज्म प्रोवाइड्स फुल फ्रीडम फॉर द नेचुरल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, ठीक है, यानी वो गलती करे, गलती करेगा तभी सीखेगा कि ये गलती है और उसके बाद में उस मिस्टेक को ओवरकम करेगा। तो यहाँ पर नेचुरलिज्म इस टेनेट को भी जो है अपनी फिलॉसफी में रखता है। इट गिव्स इम्फोसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ठीक है, ये पूरा का पूरा इम्फोसिस इसी पे करता है कि हमें अपने सेंसेस की ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है, बच्चे को बिल्कुल फ्रीली जो है उसके एनवायरनमेंट में छोड़ना चाहिए, मिस्टेक्स भी करके उसके बाद में सीख सके और उसको जो है सेंसेस की ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आप प्रिंसिपल है वो है इंस्टिंक्ट एज बेसिस फॉर एजुकेशन, ठीक है, यानी जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, उस वो ही बेसिस है। नेचुरलिस्ट बिलीव दैट इट इज थ्रू एजुकेशन दैट चाइल्ड्स एनिमल बिहेवियर शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी ये बात जानते हैं कि जब भी बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी जो मूलभूत प्रवृत्ति है वो अपनी भूख को शांत करना है, उसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है, उसको नहीं उतने इथिकल प्रिंसिपल्स का पता है,
ठीक है, उस समय वो सिर्फ उसी चीज़ को जानता है कि बस मुझे भूख लगी है, तो वो रोता है और माँ उसको समझती है कि हाँ उसको भूख लगी है तो वो रो रहा है, बस इतने में ही उसका सारी चीजें। तो अगर ये देखा जाए तो ये एक पशुवत प्रवृत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है उसी चीज के लिए बात की जाती है कि जो है जो आपका पशुवत प्रवृत्ति है उसको ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है एजुकेशन, और जो है जिसमें वो जो एनिमल बिहेवियर है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन बिहेवियर को। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये फिलॉसफी चाइल्ड को ही सेंटर में रख रही है, तो ये चाइल्ड की हैप्पीनेस की बात करती है जिसमें ये कहती है कि जो है प्रायोरिटी हमें उसी चीज़ को देनी चाहिए कि जो चाइल्ड है वो जो भी चीज़ें कर रहा है उसमें वो खुश हो। ठीक है, जब भी वो अपने टूल्स को लेकर, अपने टूल्स में यानी उसका दिमाग या उसकी जो भी क्यूरियोसिटी है उन सब चीज़ों को लेकर के जब वो अपने नेचर में आ करके चीज़ों को एक्सपेरिमेंट आउट करता है, तो उस टाइम पे जो है प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो चाइल्ड की हैप्पीनेस को देनी चाहिए इन द होल एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, इस पूरी एजुकेशन प्रोसेस में जो मुख्य है वो आपका चाइल्ड है और उसकी रुचि है। फिर यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव एजुकेशन, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपके रूसो जी ने दिया था, तो यहाँ पर जो है इसकी बात कही गई है कि नेगेटिव एजुकेशन कंसिस्ट नॉट इन टीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्च्यू बट इन गाइडिंग द हार्ट अगेंस्ट वाइस एंड माइंड अगेंस्ट एरर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी वर्च्यू की बात वो नहीं करता क्योंकि रूसो जी बच्चों के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है बुकिश नॉलेज और इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने ही ये बात कही कि जो ये नेगेटिव एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया, और ये यही बोलते थे कि जो है जो बच्चा है वो बिल्कुल प्योर है, वो प्योरिटी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर आ करके वो सारी की सारी जो गलत चीज़ें हैं उनको भी, मतलब अच्छी चीज़ों के साथ वो गलत चीज़ों को भी ग्रहण कर। फिर यहाँ पर नेचुरलिज्म और उसके जो एम्स हैं उनके बारे में बात कही गई है। एम्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेल्फ एक्सप्रेशन, वो सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है नेचुरलिज्म कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। ठीक है, स्पेंसर जी ने इस पे बहुत ज़्यादा बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जो है जो भी एजुकेशन हो उसके थ्रू हम जो है जो फ्यूचर और प्रेजेंट की जो हैप्पीनेस है उसको बच्चे को दे पाए, उसको अटेन कर पाए। जो भी एजुकेशन ले रहा है वो जाहिर सी बात है ये सोच कर ले रहा होगा कि हम कहीं हैप्पी रहें, खुश रहें, चीज़ों से सेटिस्फाइड रहें, तो उस चीज़ की ये बात करता है। फिर उसके बाद में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आप सभी जानते हैं डार्विन जी का काम है, तो यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल है उसकी बात कही गई है। फिर उसके बाद में आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आप अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखें, जो अभी आपके अंदर वैल्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके साथ ही आप जाहिर सी बात है वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए आते हैं, एक्सपेरिमेंट आउट करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कही गई है, यानी जो भी चीज़ें हैं भाई एजुकेशन अगर कोई ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है। ठीक, तो वही इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात ये करता है। फिर उसके बाद में सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी वही जो आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स में, ये बात करता है सब्लिमेशन। उसके बाद में टू डेवलप इंडिविजुअलिटी एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग। ठीक है, यानी इंडिविजुअलिटी और जो सराउंडिंग है उसके साथ एडजस्टमेंट की बात करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, यानी जो भी लेजर टाइम है, जो रिक्रिएशनल मोमेंट है, उसकी भी बात करता है, यानी हमें हर एक चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे का विकास सिर्फ उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज के थ्रू नहीं होता, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही जाती है, तो उसमें को करिकुलर और करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स की बात कही जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद में एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जैसा बच्चे की प्रकृति है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, यानी ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कह रहा है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फिर नेचुरलिज्म और करिकुलम की बात कही जाती है, तो करिकुलम में क्या कहा गया है कि ये जो है जैसा अभी बात की कि ये जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है या बच्चे का जो साइकोलॉजिकल टेम्परमेंट है उसको ध्यान में रख करके करिकुलम को फ्रेम आउट करने की बात करता है। फिर एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड।
ठीक है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, जैसा उसका एटीट्यूड है, जैसा उसका एप्टीट्यूड है, जैसा उसका टेम्परमेंट है, उस हिसाब से हमें चीजों को फ्रेम आउट कर। करिकुलम शुड ले एम्फोसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ बट स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द करिकुलम। ठीक है, भले ही ये जो है बात कर रहा है कि प्रेजेंट में, लेकिन फिर भी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कभी भी बिना बेस के कभी भी कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा, तो यानी एक बेस भी होना चाहिए। तो इसीलिए उस पास्ट उनमें उस बेस को बनाने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस का होना जरूरी है। तो वो उसकी भी बात कर रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस भी होने चाहिए जिसपे हम नई लर्निंग को फ्रेम कर। फिर उसके बाद में करिकुलम शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज एंड स्किल्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, करिकुलम में इसमें कहा गया है कि उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें जिससे बच्चों का सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन इसका, सेल्फ प्रिजर्वेशन इसका फर्स्ट लॉ भी माना जाता है नेचुरलिज्म का। फिर यहाँ पर जो नेचुरलिस्ट करिकुलम है उसमें कहा गया है कि देयर इज नो प्लेस गिवन टू ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं या जो भी रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे जिसमें स्पिरिचुअलिटी और बहुत बड़े बड़े आइडियल्स की बात की जाती थी, उन सारे सब्जेक्ट्स को निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद में करिकुलम यहाँ पर जो है दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, एक अर्लियर स्टेज, दूसरा आपका लेटर स्टेज। तो अर्लियर स्टेज में सेंसरी ट्रेनिंग की बात की जाती है, मोंटेसरी भी, आप मारिया मोंटेसरी का आपने नाम सुना होगा, तो वो सब ये नेचुरलिस्ट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसरी ट्रेनिंग की बात कही गई है। फिर आप देख रहे हैं लेटर स्टेज में जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस लाइक फिजिकल साइंसेस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, ट्रेड, मोरल एजुकेशन, इन सब चीज़ों, इन सब सब्जेक्ट्स को करिकुलम में इंक्लूड करने की बात कही गई है। नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड्स, अब इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स इनकॉर्पोरेट करता है उसकी बातें हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, इसमें ये जो है इसको ये फेवर करता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो आप जानते हैं, एजुकेशन थ्रू सेंसेस की बात ये करता है, प्ले वे मेथड की बात करता है, एक्टिविटी मेथड की बात करता है, ऑब्जर्वेशंस की बात करता है, आपका मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, सेल्फ एफर्ट्स, को एजुकेशन, ये सब चीज़ों को ये फेवर करता है। फिर नेचुरलिज्म और डिसिप्लिन, इसमें कैसे डिसिप्लिन, तो बिल्कुल भी यहाँ पर पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है, टीचर है उसको एज अ फैसिलिटेटर पीछे ही रहना है बच्चे के। ठीक है, जब वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने नेचर में, तो उस टाइम पर बैकग्राउंड में टीचर का इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में दे वॉन्ट टू गिव फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड, पूरी फ्रीडम की बात करता है। नेचर बाय इटसेल्फ इज अ टीचर दैट गिव्स लेसन्स ऑफ डिसिप्लिन टू मैन। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जब प्रकृति के साथ आप कुछ भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति बहुत ही ज़्यादा उसका रिवर्स बैक जो है आपका रिजल्ट देती है। तो उसका ये कहता है कि जो है इफ द चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक ही विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। ठीक है, अगर जो है कोई भी मिस्टेक करता है तो वो नेचर से पनिश हो, तो उसके लिए एक फैसिलिटेटर पीछे होना चाहिए, और किसी भी फिजिकल पनिशमेंट की आप देख सकते हैं इसमें कोई बात नहीं कही। फिर नेचुरलिज्म में जो टीचर की बात कही गई है कि नेचुरलिज्म में कैसे टीचर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, मैंने इतनी देर से आपको बताया भी हुआ है कि टीचर यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टर, एज अ गार्डनर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मोटिवेटर होता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत बड़ा कोट है कि लेट नेचर बी योर टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है नेचुरलिज्म और स्कूल। तो नेचुरलिज्म में कैसे स्कूल की बात कही गई है, स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री एंड फ्लैक्सीबल, यानी बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्री और फ्लैक्सीबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए स्कूल की। उसके बाद में इट शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर। ठीक है, वो और वो जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे नहीं कि हमें इस टाइप का सेटअप नहीं चाहिए जो बाउंडेड हो। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, वो बिल्कुल नेचर के पास होना चाहिए, जिससे कि जो है एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है बच्चा ले सके। कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कोई भी बाउंडेशन एग्जामिनेशन की नहीं है, नो प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट, इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट करे। ठीक है, क्योंकि नेचर के साथ रहेगा तो उसका नेचुरल डेवलपमेंट होगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन द करेंट सिनारियो। ठीक है, करेंट सिनारियो में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि इस समय जो आपका
जैसे CBSE भी आपका चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फेवर अप करती है, तो उसी तरीके से जो चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन है वो इसका एक जो है बहुत बड़ा पहलू है इसको देने के लिए। फिर फ्रीडम जो है चाइल्ड को देना, फिर साइकोलॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात ये करता है, तो ये है। फिर एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की ये बात करता है, साइंटिफिक स्टडी की भी बात करता है, और इंस्टिंक्ट्स इम्पल्सेस एंड इमोशंस शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ये यही कहता है कि जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी इम्पल्सेस हैं, ये सारे के सारे और जो इमोशंस हैं वो ही एजुकेशनल बेस चाइल्ड में क्रिएट करते हैं। फिर कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि नेचुरलिज्म इग्नोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कंसिडर द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, जैसा आइडियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा एक आदर्शों की बात करते हैं, तो उस तरीके से ये बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक है, ये इसका एक लिमिटेशन है। नो प्लेस टू रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं करता। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू चाइल्ड, और जो ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट फ्रीडम फ्रीडम की बात कर रहा था, ये भी इसकी एक लिमिटेशन जो है मानी जाती है। फिर टू मच एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट सेंट्रिक है, यानी जो करंट है उस पर ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। और जो टीचर का रोल है इसको बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया है इसने, ठीक है। तो जैसा आप आइडियलिज्म में देख रहे थे कि वहाँ पर टीचर बिल्कुल फोरफ्रंट में था, वही था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है जो टीचर का रोल है वो थोड़ा सा मिनिमाइज है। फिर जो रेलेवेंस है इसका 21वीं सेंचुरी एजुकेशन में, उसमें जो है इट हैज शिफ्टेड द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम टू एन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, इसने जो सब्जेक्ट सेंट्रिक एजुकेशन है उसको एक्सपीरियंस सेंट्रिक एजुकेशन में कन्वर्ट करने का काम किया है। फिर इट हैज गिवन बर्थ टू द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम जितने भी मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, उसको जो है इसने ही वो किया है। फिर इसके बाद में इट हैज एम्फोसाइज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, इसने बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस जो डाला है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे डाला है या एक्सपीरियंस सेंटर्ड लर्निंग पे डाला है। तो इस तरीके से आपने नेचुरलिज्म को आज देखा। जो है जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप चैट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।